नमस्कार, उत्तराखंड की तमाम खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ बबली शर्मा। उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बीजेपी में 58 लोगों की सूची जारी हुई है, जिसमें उनकी घर वापसी हुई है। बीजेपी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि काफी मंथन के बाद 58 लोगों को पार्टी में शामिल किया गया है, जिसमें कुछ लोगों के ऊपर 6 साल का पार्टी में प्रतिबंध लगा था। सूची में मुख्य रूप से विधायक रही उषा नौटियाल, जो कि केदारनाथ से विधायक रही, तो वहीं रुड़की से विधायक रहे सुरेश कुमार और विधानसभा का चुनाव लड़े संदीप गुप्ता को भी बीजेपी में शामिल किया गया। काफी सोच विचार के बाद पार्टी ने उन्हें शामिल किया है। सीएम ने कि अब सिर्फ 18 ही दिन बचे हैं चुनाव में, ऐसे में सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी अपने अपने कार्यों के प्रति सजग रहें। वहीं लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। टिहरी संसदीय क्षेत्र से माला राज्य लक्ष्मी शाह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की सिंबल से चुनाव मैदान में हैं। आपको बता दें, टिहरी गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र उत्तराखंड के देहरादून, टिहरी गढ़वाल और उत्तरकाशी जिलों में फैला है। टिहरी गढ़वाल सीट की राजनीति कांग्रेस और बीजेपी के इर्द गिर्द घूमती रही है। आजादी के बाद इस सीट पर चुनाव और उपचुनाव मिलाकर कुल 18 बार वोटिंग हुई है। इसमें जनता ने 10 बार कांग्रेस को चुना, जबकि 7 बार बीजेपी को मौका मिला। 1977 में इस सीट पर जनता पार्टी को जीत मिली थी। दरअसल टिहरी गढ़वाल सीट पर बीजेपी की माला राज्य लक्ष्मी शाह मौजूदा सांसद है। खास बात यह है कि माला राज्य लक्ष्मी शाह का जन्म नेपाल की राजधानी काठमांडू में हुआ था। उत्तराखंड बीजेपी की प्रमुख महिला नेत्रियों में शुमार माला राज्यलक्ष्मी शाह उत्तराखंड की पहली महिला लोकसभा सांसद हैं। 2019 चुनाव की तैयारियां नहीं, बल्कि हम पूरी तरह से तैयार हैं और अब तक तो जनता को भी तैयार कर चुके हैं। अब तो एक औपचारिक निर्णय होना है। 11 तारीख को जो प्रथम चरण का जो मतदान है वो हमारे प्रदेश में 11 तारीख को पूरे 5 सीटों पे। हमें पूरी उम्मीद है कि मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड की जनता जनार्दन का आशीर्वाद हमें मिलेगा और फिर से हम 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी को और मोदी जी की झोली में डालें। क्या ऐसे मुद्दे होंगे जिसको लेकर जनता के बीच इस बार? देखिए कई मुद्दे हैं, कई योजनाएँ हैं, जिसमें मैं समझता हूँ सबका साथ है सबका विकास, आम आदमी गरीब आदमी के लिए, गाँव और किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए जो कार्यक्रम किए गए हैं वो उससे जनता में जो है विश्वास जगा। चाहे हमारे जो बिजली से वंचित परिवार थे उनको सौभाग्य योजना के तहत बिजली के कनेक्शन मुफ्त दिए गए, चाहे उज्ज्वला योजना के तहत गरीब परिवारों की महिलाओं को गैस के कनेक्शन जो है मुफ्त दिए गए, चाहे हमारे बहुत बड़ी जो मैं समझता हूँ महत्वाकांक्षी योजना और ऐतिहासिक योजना आयुष्मान भारत योजना, और उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में उत्तराखंड सरकार ने उसको अटल आयुष्मान योजना के रूप में परिणित करके प्रत्येक परिवार का जो है हेल्थ कवरेज दिया है 5 लाख रुपए तक। तो ये ऐतिहासिक योजना है जिसमें गरीब के लिए भी अमीर के लिए सबके लिए जो है ये आयुष्मान अटल योजना जो है वो प्रारंभ की गई है, जिसमें 5 लाख रुपए तक का हेल्थ कवरेज जो है वो सरकार की ओर से दिया जा रहा है। तो इस तरह की जो योजनाएं, चाहे स्वच्छ भारत मिशन है, प्रत्येक लगभग 12 करोड़ शौचालय जो है बनाए हैं निर्मित हैं, छोटी बात है लेकिन छोटी छोटी बातों को लेकर के ही बड़े कार्यक्रम जो है सफल होते हैं। तो जो मोदी जी का जो मिशन और विजन है वो आम आदमी के प्रति, राष्ट्र के प्रति, और जो सम्मान का भाव आम नागरिक में जो है अपने राष्ट्र के लिए पैदा हुआ, पूरे विश्व में जो भारत का ये एक स्थान जो है बना है गौरव का, तो वो मोदी जी के आने से पिछले 5 सालों में काफ़ी परिवर्तित हुआ। और चाहे हमारे सैनिकों का सम्मान की बात है, वन रैंक वन पेंशन की बात है, वो किया गया है सरकार के द्वारा, और चाहे राष्ट्र के सम्मान की बात है, चाहे आतंकवाद को करारा जवाब देने की बात है, वरना हमेशा हमले हुए, 26/11 को मुंबई में हमला हुआ, ऊपर कश्मीर में हमले हुए, जगह जगह आतंकियों के हमले हुए, लेकिन उसका कोई रिएक्शन ही नहीं पिछली सरकारों ने दिया। इस समय आप देख सकते हैं कि पुलवामा में जो हमला हुआ, आतंकी हमला हुआ, उसका तुरंत जो है उसका जवाब दिया गया, एक मैसेज जो है दुश्मन को गया कि भाई अगर तुम इस तरह की हरकत करोगे तो तुम भी जो है सुरक्षित नहीं।
फागुन महीने की पंचमी तिथि को ऐतिहासिक झंडे मेले के आरोहण के साथ ही मेले की शुरुआत होगी, जो करीब एक महीने तक चलेगी। 25 मार्च को होने वाले झंडे के आरोहण के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। दरबार साहिब के व्यवस्थापक कैलाश चंद्र जियाल ने बताया कि मेले की तैयारियां शुरू की गई हैं। उन्होंने बताया कि 18 मार्च को सहसपुर स्थित SGRR इंटर कॉलेज में भजन कीर्तन के बाद संगत की वापसी दरबार साहिब में होगी। 19 मार्च से देश विदेश से संगतों का आना शुरू हो जाएगा। पंचमी 25 मार्च को सुबह 8 से 9 बजे तक झंडा जी को उतारने का कार्यक्रम शुरू होगा। इसके बाद दही घी गंगाजल से स्नान कर करीब 10 बजे से सादा गुलाब चढ़ाया जाएगा। वहीं सप्तमी को सेवकों की ओर से नगर परिक्रमा की जाएगी, जो कि सहारनपुर चौक कामवली रोड होते हुए SGRR पब्लिक स्कूल बिंदाल पुल पहुंचकर आधा घंटा विश्राम करेगी। इसके बाद तिलक रोड घंटाघर पल्टन बाजार से रीठा मंडी होते हुए SGRR पब्लिक स्कूल भंडारी बाग होते हुए दरबार साहिब पहुंचेगी। इस दिन पैदल संगत और पंजाब के श्री महंतों मसंदों को पगड़ी और प्रसाद वितरण किया जाएगा। ये ऐतिहासिक झंडा मेला है, लगभग 400 साल पुराना परंपरागत ये मेला श्री गुरु राम राय जी महाराज जी के यहाँ जब देहरादून आए थे, डेरा साहब ने उन्हें झंडा का वो पदार्पण किया था, तो झंडा के दर्शनों के साथ में ही इस गद्दी की एक विशिष्ट महत्ता है और प्रत्येक जीव आत्मा के कल्याण के लिए ये झंडा मेले के दर्शन और इस गद्दी के अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति करने के लिए तमाम प्रांतों से संगत आती है। जो गुरु राम राय महाराज जी के फॉलोअर्स थे, ये सातवीं पीढ़ी में गुरु नानक जी के देव के श्री राम राय जी के ज्येष्ठ पुत्र थे श्री गुरु राम राय जी महाराज, और लगभग यहाँ जो है नॉर्थ इंडिया का ये सबसे बड़ा मेला है। इस मेले में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश लगभग और NRIs जो कि बाहर रहते हैं विदेशों में, जो गुरु राम राय महाराज जी के फॉलोअर्स हैं, शिष्य हैं, वो सब इसके दर्शनों के लिए झंडे मेले में, ये ऐतिहासिक मेला है, 25 तारीख का इसका आरोहण होगा। इस दिन लगभग 10 लाख की भीड़ आने की संभावना है और प्रतिदिन ये लगभग 1.5-2-3 लाख के करीब भीड़ यहाँ पे आ रही है, आती चली जा रही है और ये भीड़ बढ़ती चली जा रही है। बढ़ते आगे, अपने चिर परिचित अंदाज के लिए माने जाने वाले हरिद्वार के DM दीपक रावत ने अधिक से अधिक मतदान के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए एक बार फिर अपने ही अंदाज में अपील की है। DM हरिद्वार ने बकायदा मतदान के लिए एक सॉन्ग रिलीज किया है, चलो मतदान करें कि शीर्षक से रिलीज सॉन्ग को सोशल मीडिया पर अच्छी खासी ट्रेंडिंग मिल रही है। DM दीपक रावत ने गाने के माध्यम से लोगों से अपील की है कि वो अधिक से अधिक मतदान करें और मतदान के दौरान निष्पक्ष और पारदर्शी रहें, जिससे अच्छे लोग चुने जा सकें। यही नहीं, DM दीपक रावत ने इस बार दिव्यांगों से भी पोलिंग बूथ तक आने की विशेष अपील की है। अपने अधिकारों का सम्मान करें, चलो मतदान करें, खुद अपनी नगरी का नव निर्माण करें, चलो मतदान करें, चलो मतदान करें। इसमें खास तैयारियों में इस बार हम चाह रहे हैं कि हमारे जो दिव्यांग जो मतदाता हैं, दिव्यांग भाई बहन, उनको हम ये चाह रहे हैं कि हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, चाहे वो हमारे NCC के वॉलंटियर्स हों, नेहरू युवा केंद्र के हों, तो प्रत्येक को कुछ ना कुछ इसमें हेल्प मिले कि वो अपनी वोटर्स में डाल सकें। और इसके साथ साथ हम ये भी चाहेंगे कि इस बार जो हमारी ऐसी मदर्स हैं जिनका छोटा बच्चा है साथ में, तो वहाँ पे हम छोटे से क्रश वहाँ पे इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, ताकि धूप का समय होगा तो वहाँ पे बच्चा बनकर रह सके। वहीं दिनेशपुर मार्केट में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की सख्ती के उपरांत पुलिस ने अतिक्रमण पर डंडा चलाते हुए दर्जन भर व्यापारियों के चालान काटे। वहीं नगर पंचायत ने लाल निशान लगाकर व्यापारियों से कहा है कि निशान से बाहर दुकान का माल लगाया गया तो कड़ी कार्रवाई होगी। ज्ञात हो नगर के मुख्य बाजार में इन दिनों अस्थायी अतिक्रमण अपने चरम पर है, जिससे शनिवार को लगने वाले हॉट बाजार में जाम लगा रहता है। लोगों को पैदल चलने को फुटपाथ भी नहीं मिल रहा था। वार्षिक निरीक्षण के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरिंदर जी सिंह के समक्ष समस्या से अवगत हुए, जिस पर उन्होंने थाना अध्यक्ष दिनेश फरत्याल को जल्द से जल्द यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के निर्देश दिए। साथ ही नगर पंचायत की ओर से लाल निशान लगाकर सीमा तय कर व्यापारियों से कहा है कि यदि लाल निशान के बाहर जिस किसी का भी दुकान का सामान मिला उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं तमाम ठेला लगाने वालों में हड़कंप मच गया है, पुलिस ने भी सभी को खदेड़ दिया।
शिकायतें प्राप्त होती है कि शहर में जो है निकलना, वाहनों के निकलना और आमजन का निकलना वो हो रहा है। तो उक्त के क्रम में जो है जनहित में आज जो है चिन्हीकरण एक व्यापारियों के व्यापार मंडल के अध्यक्ष नारायण या मिस्टर नारायण उनके साथ व्यापारियों के साथ वार्ता हुई थी। तो वार्ता के क्रम में उनके द्वारा ये कहा गया था कि ये जगह चिन्हित की जाए, उसके बाहर जो सामान रखा जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो उक्त को दृष्टिगत रखते हुए ही जो है आज जो है पुलिस प्रशासन की मदद, पुलिस प्रशासन के सहयोग से जो है बाजार में व्यापारियों के आगे एक लाइन डाल के चिन्हीकरण कर दिया गया। अगर उससे जो बाहर रहेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी के पौड़ी लोकसभा सीट के प्रत्याशी तीरथ सिंह रावत ने अपने प्रचार का शंखनाद कर दिया है। श्रीनगर में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तीरथ सिंह रावत ने कार्यकर्ताओं की बैठक ली और चुनाव के दौरान मोदी के 5 साल के कार्य को जनता तक पहुंचाने का आह्वान पार्टी के कार्यकर्ताओं से किया। वहीं तीरथ ने अपने समर्थकों के साथ नामांकन के बाद शनिवार को क्षेत्र का भ्रमण किया, जिसके तहत श्रीनगर के मुख्य बाजारों में रैली निकाली गई, जहां लोगों ने फूलमालाओं से उनका स्वागत किया। इस दौरान वो लोगों से भी मिले। उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा है कि वो मोदी के 5 साल के कार्यकाल लेकर जनता से वोट मांग रहे हैं। देखिए, आराम से भारतीय जनता पार्टी का 5 साल का जो मोदी जी का कार्यकाल रहा ऐतिहासिक रहा, स्वर्णिम रहा। प्रदेश का भी 2 साल का कार्यकाल अति उत्तम और विकास मैं कह सकता हूँ कि आजादी के बाद इतने हुए कि कभी लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। आम जन को सुविधाएं दी हैं मोदी जी ने, प्रदेश ने, और हर घर को उजाला किया है, हर घर को अंधेरे से मुक्त किया है। वहीं उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्र टनकपुर तहसील के अंतर्गत लगने वाले सुप्रसिद्ध माता पूर्ण गिरी धाम में भव्य मेले का हर साल की भांति इस साल भी चैत्र महीने की शुभ तिथि अनुसार 23 मार्च को विधि विधान के साथ शुभारंभ किया गया। मेले का संचालन 15 जून तक मेला समिति के जरिए किया जाएगा। लोकसभा चुनाव के चलते आचार संहिता का पालन करते हुए इस बार मेले का शुभारंभ मेला मजिस्ट्रेट टनकपुर के उपजिलाधिकारी दयानंद सरस्वती के जरिए किया गया। ज्ञात हो कि पूर्णगिरि धाम में लगने वाले इस मेले में उत्तराखंड के साथ यूपी दिल्ली एनसीआर के साथ साथ नेपाल से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु माँ के दर्शनों के लिए आते हैं। बताना चाहता हूँ, देखिए मेला आज विधिवत रूप से इसका उद्घाटन 23 मार्च को हुआ है और ये मेला 15 जून 2019 तक चलेगा। और इसमें हमारी तरफ मेला कमेटी जो है इसकी तरफ से सारी व्यवस्था की गई है, प्रॉपर लाइटनिंग की गई है। इस बार जो मेले का जो मुख्य द्वार है वहीं से हमने लाइट व्यवस्था की गई है, क्योंकि लोग काफ़ी लोग रात्रि में भी यहाँ पर मंदिर के लिए यहाँ से यात्रा प्रारंभ करते हैं पैदल, तो उनके लिए भी हमने लाइट की व्यवस्था की गई है। जानवर भी काफ़ी बीच में कुछ लोगों द्वारा बताया गया कि हाथी का मूवमेंट भी रहता है जंगली जानवरों का, तो उसके लिए जहाँ जहाँ पर ये ऐसे एरिया आइडेंटिफाई किए जहाँ पर जानवरों का विचरण हो सकता है, तो वहाँ पर भी हम लोगों ने प्रॉपर लाइट व्यवस्था की है। उसके अलावा पानी की व्यवस्था ज़्यादा कोशिश की गई है कि पूरे मंदिर तक पानी की व्यवस्था पहुँचाई जाए, और सफाई व्यवस्था के लिए अपने 100 आदमी लगाए गए हैं, उनको ऊपर नीचे तक डिवाइड किया गया है और उनको सभी को हम लोगों ने एरियाज आइडेंटिफाई करके दिए हुए हैं कि आपको यहाँ पर किया है। प्रॉपर डस्टबिन भी लगाए गए हैं। तो इसके अलावा लोग यात्रियों को ठहरने के लिए काफ़ी बच्चे छोटे छोटे आ रहे हैं, महिलाएं आ रही हैं, उनकी सुविधाओं के लिए हम लोगों ने यहाँ पर एक सेंटर बनाए गए कि रात को यहाँ पर हमारी तरफ से मेला कमेटी की तरफ से है कि यहाँ पर रात में विश्राम कर सकें। और उसके अलावा हमारा प्रयास यही है कि प्रॉपर पुलिस फोर्स हम लोगों ने यहाँ पर लगाई गई है, जिससे कि ट्रैफिक का इशू भी यहाँ पर ना रहे। लेकिन अभी काफ़ी, क्योंकि दो दिनों से काफ़ी भीड़ आ रही है, तो अभी थोड़ा समय आज शाम तक हम लोग स्थिति को काफ़ी काबू में। वहीं लोकसभा निर्वाचन 2019 को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के दृष्टिगत रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र में पुलिस और अर्धसैनिक बल के जरिए फ्लैग मार्च निकाला गया। डॉक्टर नीरज खेरकवाल जिलाधिकारी उधम सिंह नगर और परिंदरजीत सिंह वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक चुनावों को निष्पक्ष संपन्न कराने और सुरक्षा की दृष्टि से रुद्रपुर थाना क्षेत्र के मुख्य मार्गो और खेड़ा रामपुरा होते हुए स्थानीय पुलिस पीएसी और CPMF के जरिए लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च के दौरान स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने हेतु जनता को विश्वास दिलाया गया कि चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार से अशांति फैलाने वालों, आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने, हुड़दंग मचाने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उक्त फ्लैग मार्च के बाद जिलाधिकारी उधम सिंह नगर और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के जरिए मतगणना स्थल बगवाड़ा का निरीक्षण कर संबंधित को निर्देश दिए।
हमारे पास जो है 5 कंपनी CAPF पहुंच चुकी है। हमारे फर्स्ट राउंड ऑफ फ्लैग मार्च कंप्लीट आ चुका है लखनऊ के साथ। इसके बाद सेकंड राउंड हम जो है नॉमिनेशन फाइल होने के बाद ख़त्म होने के बाद दोबारा से शुरू करेंगे। इसमें एरिया डोमिनेशन जो बेसिकली फ्लैग मार्च के रूप में इसलिए किया जा रहा है ताकि जो एंटी सोशल एलिमेंट है असामाजिक तत्वों को मैसेज देने के लिए कि यहाँ फोर्स आ चुकी है, अब किसी भी तरीके का जो चुनाव में किसी प्रकार का जो विघ्न है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सभी जो चिन्हित एलिमेंट्स हैं उनके खिलाफ गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट और 110D की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बढ़ते आगे, उधम सिंह नगर में बीते दिनों हुए हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए 4 नाबालिग किशोरों को गिरफ्तार किया है। हत्या की वजह हत्यारोपी की बहन के साथ मृतक का अवैध संबंध होने के चलते किशोरों ने चाकू से गोद गोद कर हत्या कर दी थी। दरअसल रुद्रपुर के फाजलपुर मेट्रोरोला कॉलोनी में नाले में एक शव मिलने से सनसनी फैल गई थी। सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। वहीं मामले की जांच पड़ताल में पता चला है कि युवक के उस कॉलोनी में रहने वाली एक युवती के साथ अवैध संबंध थे। जब युवती के भाइयों को हिरासत में लेकर पुलिस ने पूछताछ की तो पूरा मामला खुलकर सामने आ गया और हत्या में शामिल युवती के भाई समेत 4 नाबालिग पुलिस ने गिरफ्तार कर पूरे मामले का खुलासा किया। पूरे मामले का खुलासा उधम सिंह नगर जनपद के SSP बरिंद्रजीत सिंह के जरिए किया गया। पुलिस को नया फाजलपुर मेहरोला में एक डेड बॉडी मिली थी जिसके पास पर उसका नाम अर्जुन मिला हुआ। उसके बाद जो थाना पुलिस है उसके द्वारा निकट के एरिया में सघन पूछताछ की गई और जिससे कि वो बॉडी अगले दिन आइडेंटिफाई हो गई। उसके बाद इसमें हत्या का मुकदमा दर्ज विवेचना चालू की गई और दौराने विवेचना ये पाया गया कि जो इलाका रामपुरा है वहीं का ये रहने वाला है और वहीं पे जो है कुछ लोगों की इसमें रंजिश होना, इसकी किसी की सिस्टर के साथ इसके जो है वो रिलेशन होने की वजह से ये सारा घटनाक्रम अंजाम दिया गया और इसमें जो अपराधी हैं वो सभी बाल उपचारी हैं और उनको जो है हिरासत में लेकर आवश्यक न्यायालय के सामने उनको पेश किया जाएगा। फिलहाल मेरे साथ उत्तराखंड की तमाम खबरों में इतना ही। नमस्कार।